तथाकथित किसान आंदोलन जो चला था उसका प्रभाव हरियाणा में देखने के लिए मिला। हरियाणा में आरक्षण का मुद्दा भी रहा था, हरियाणा में 35 versus 1, ये जो 35। लेकिन इस बार जाटों का रुख क्या है? डिवीजन निश्चित तौर पर होगा, बीजेपी ने नैरेटिव, बीजेपी ने नैरेटिव नहीं बनाया हरियाणा में जाटों के लिए, लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं चाहा कि जाट हमारे से दूर चला जाए। हरियाणा के ही एक परिवार के ही हैं सब ये सब लोग जो इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देख भी रहे होंगे कि पहलवानों ने तो अभी कांग्रेस को ज्वाइन भी किया है, तो ये जो सेंटीमेंट्स थे सब लोगों के मिस फोगाट के साथ थे। खैर, अब वो राजनीति में आ गई हैं तो उन्होंने इन सभी अटकलों को खुद ही मोर लगा दिए। बीजेपी ने बबीता फोगाट का टिकट काट दिया, ये लिया है विनेश फोगाट को। बस बीजेपी ने जहाँ तक मैं समझता हूँ ये समझा के, क्योंकि इनकी बहनों ने एक मूवमेंट चला है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वो राजनीति के शिकार हुए हैं। मनु भाकर ने तो दो दो पदक जीते हैं, कहां से पता हरियाणा की है। लेकिन जाट कम्युनिटी को इसका नुकसान देश भर में हुआ है, हमारे समाज को 2016 में जाट आरक्षण से हरियाणा में नुकसान हुआ था। जाट जो है इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट मैक्सिमम करने वाले हैं। बीजेपी को लेकर जाटों के मन में क्या है, क्या चलता रहता है? जाटों को मैं सबसे ज्यादा गवर्नर बीजेपी ने बनाया, आज जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ लाइन में क्यों आना पड़ा? वे आंदोलन से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, आंदोलन से जिसके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। वो सोफिस्टिकेटेड टाइप का वो जाट तो हुंडा को पसंद करता है, और जो देहाती टाइप है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहता है। बीजेपी को अगर कहीं कमी पड़ती है क्या बीजेपी गिरा सकती है, या बिल्कुल दूरियां होगी, क्या लग रहा है? जब ये स्थिति आएगी तब विचार करेगी। ऐसा नहीं है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आखिरी चुनाव है। हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या वो दीपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, खुद बनेंगे? नमस्कार, आज हमारे चैनल के दूसरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और देखिए, पॉडकास्ट की जो एक रूटीन कल्चर है वो जिसमें इतने बड़े बड़े माइक लगाकर लोग बैठते हैं वो मेरी समझ से बाहर है। अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूं कि उसका लॉजिक क्या है। सिर्फ संवाद होना चाहिए, जो हमारा संप्रेषण है वो आप तक स्पष्ट आना चाहिए, और जो हमारे गेस्ट हैं उनकी बात आप तक सही तरीके से पहुँचनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट किया है, कभी आगे अगर आवश्यकता महसूस होगी तो बड़े बड़े माइक भी रखे जाएंगे अगर उसके बिना काम नहीं चलेगा तो। लेकिन यह है कि थोड़ा सा अलग हटकर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आप सब लोग का सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो राजनीति के क्षेत्र से भी हैं, सामाजिक क्षेत्र से भी हैं, किसानों की भी उन्हें बहुत बढ़िया समझ है, एक संगठन है उससे भी जुड़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन जो स्वर्गीय टिकैत साहब की हुआ करती थी पुराने वाली, उससे भी जुड़े रहे हैं, और खासतौर से जो जाट राजनीति है उसकी बहुत अच्छी समझ रखते हैं। पहले आप लोगों ने उन्हें हमारे चैनल पर देखा भी है, और एक बार फिर हमने उन्हें अपने चैनल पर बुलाया है, लेकिन इस बार पॉडकास्ट के लिए थोड़ा लंबी बात होगी और संदर्भ रहेगा हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के उसके बारे में। क्योंकि अशोक जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी हर्ष जी। तो अशोक जी के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में इस बार जो राजनीति है, जो चुनाव का सिनेरियो बनकर सामने आ रहा है, जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है, कोई ये भी नहीं बता पा रहा है कि भाई इस बार सर्वे आए हैं एक दो कि किसकी सरकार बनेगी, बहुत ही नजदीकी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसमें बताया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे बिंदु हैं जो मैंने नोट किए हैं, इन पर अशोक जी से सवाल पूछेंगे। अशोक जी भी काफी तैयारी के साथ डाटा वगैरह लेकर आए हैं। तो अशोक जी, 5 अक्टूबर को मतदान होगा, 8 को नतीजे आएंगे, और अभी जो हरियाणा का सीन नजर आ रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे नजर आ रही है वो यही है कि जो छोटे छोटे दल हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं, वो प्रत्याशी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ खेल इधर से उधर करने की गुंजाइश उसमें नजर आ रही है। दूसरे, जातीय समीकरण जो हैं वो अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि किसका क्या रुझान रहने वाला है। तो वन बाय वन हम सिलसिला शुरू करेंगे। अब चूंकि आप कृषि कानूनों के मुद्दे पर जब कृषि बिल आए थे
हमारी आपकी चर्चा हुई थी, आप हमारे चैनल पर तब भी आए थे, तब उस समय विस्तार से हमने चर्चा की थी। मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी लोग ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों का जो मुद्दा था, फार्म बिल्स आए थे, उसका जो विरोध हरियाणा में बहुत प्रमुख रूप से हुआ था, वेस्ट यूपी और हरियाणा में और पंजाब में, क्या उसका असर अभी ग्राउंड लेवल पर नजर आता है? आपकी तो बात होती रहती है वहां लोगों से। हाँ देखिए हर्ष जी, जो तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध दिल्ली में आंदोलन चला था और उसके बाद ये फिर लोकसभा चुनाव हुए हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव तो 2019 में हुए थे और फिर कृषि आंदोलन चला था 2021 में कृषि कानूनों के विरुद्ध जो है, तो फिर लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, और 2024 में वहाँ बीजेपी को जो पहले लोकसभा में व्यापक बहुमत मिला था, इस बार वो उसको उतना बहुमत नहीं मिला, तो जो 50-50 हुआ, 10 में से 5 लोकसभा सीटें उनके पास गई, 5 लोकसभा सीटें। तो ये बात सच है कि भले ही वो आंदोलन किसानों के, मतलब के जो कृषि कानून थे वो किसानों के हित में थे, लेकिन एक नैरेटिव बनाने में किसान संयुक्त किसान मोर्चा और उसके पीछे जो कांग्रेस जैसी ताकतें थी वो सफल हुए, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका नैरेटिव जो है जो किसान आंदोलन को लेकर था उसमें निश्चित तौर पर सफल हुए हैं, और उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है, भले ही वो कानून कितने भी किसानों के हित में थे। हर्ष जी, मतलब आप कह रहे, आपके कहने का मतलब है कि जो तथाकथित किसान आंदोलन जो चला था उसका प्रभाव हरियाणा में देखने के लिए मिला? बिल्कुल मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सीटें कम हुई थी। उत्तर प्रदेश में तो कह रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा था, अब की बार 400 पार वाला जो नारा था उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स था, तो क्या आरक्षण वाला मुद्दा हरियाणा में नहीं था? देखिए हरियाणा में आरक्षण का मुद्दा भी रहा था, क्योंकि हुड्डा सरकार ने एक बार आरक्षण दिया था लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में आपको भी ध्यान होगा कि टिक नहीं पाया था। इसके बाद फिर वहाँ बहुत सारा आंदोलन चले, तब तक खट्टर की सरकार आ चुकी थी, और इसके बाद क्योंकि 2014 में खट्टर की सरकार आ चुकी थी, 2016 में आरक्षण को लेकर वहाँ व्यापक हिंसा भी हुई थी, चुनाव के एकदम बाद हुई थी, चुनाव के एकदम बाद 2016 में हुई थी वो हिंसा, और लेकिन उस हिंसा के बावजूद भी वहाँ 2019 में भी भले कुछ निर्दलीयों को लेकर सरकार बनी लेकिन वो खट्टर की सरकार बनी थी। लेकिन जब कोई एक आंदोलन चलता है फिर उसके साथ दूसरा आंदोलन में वही कम्युनिटी हिस्सा लेती है, तो वे दोनों जो पिछली चीजें हैं वो एक साथ जुड़ जाती हैं, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो लोकसभा 2024 के चुनाव में मैं समझता हूँ कि चाहे वो जाट उस वक्त आरक्षण को लेकर या कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन किया था उसका कहीं ना कहीं असर निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। चलिए मान लेते हैं, वैसे विशेषज्ञों की कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि आरक्षण वाला मुद्दा तो इतना यहाँ पे नहीं रहा, हाँ लेकिन जाट आरक्षण वाला जो पुराना वाला मामला है वो, और फिर ये मैं हो सकता है कि ऐसा रहा हो। वैसे तो बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने हरियाणा में 35-1 ये जो 35 बिरादरी एक तरफ और एक बिरादरी एक तरफ, इसकी राजनीति को आगे बढ़ाया है। और जैसे कि मेरे पास आंकड़े हैं कि ओबीसी कम्युनिटी जो है वहाँ पर, जो ओबीसी वोट बैंक है वहाँ का, वो लगभग 30% के आसपास है, 25% के आसपास जाट है, वो आपने भी बताया था, और 20% के आसपास एससी वोट बताए जाते हैं वहाँ पर, जो सिनेरियो है। और बीजेपी को इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो हरियाणा में बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी तो उसे बनिया बामनों की पार्टी इस तरह से कह के संबोधित किया जाता था कि यह पंजाबियों की और बनिया बामनों की पार्टी है। और जाट जो वोटर है वहां का, उस जाट वोट में उनका तीन बड़े शेयर होते हैं, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और तीसरा जेजेपी, ये तीनों के बीच में जो अभी नई पार्टी बनी दुष्यंत चौटाला वाली। लेकिन इस बार जाटों का रुख क्या है? देखिए हर्ष जी, क्या है कि जो जेजेपी बनी थी 2018 में और 2019 में हरियाणा में फिर विधानसभा चुनाव हुए थे, चौटाला की लोकसभा चुनाव भी लड़े थे ये जेजेपी वाले। हाँ, वो तो बाद में अब लड़े हैं, नहीं 2019 में भी जेजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन तब इनको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इनको 10 MLA इनके बन गए थे फिर 2019 के विधानसभा चुनाव में। और जो चौटाला की पार्टी थी, जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी थी, उसको केवल एक सीट मिली थी, तो उसके बाद ये फिर सरकार के खट्टर के साथ सरकार में आए, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां फिर अलग अलग हो गई है, और मनोहर लाल खट्टर का रिजाइन के बाद में फिर वहाँ सैनी मुख्यमंत्री बने और ये जेजेपी उनसे अलग हो गई। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं हरियाणा में कि डिवीजन निश्चित तौर पर होगा, भले ही
बड़ा हिस्सा जाटों का हुड्डा को चला जाए, कांग्रेस को चला जाए, लेकिन निश्चित तौर पे जेजेपी को भी कुछ हिस्सा जाएगा और निश्चित तौर पे ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को भी कुछ हिस्सा जाने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा जो है वो कांग्रेस के पास जाने की वहाँ पर जाटों की चल रही है। बीजेपी को जाट अभी किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि बीजेपी ने पिछले 10 साल में एक ये बड़ा नैरेटिव बनाया वहाँ पे कि भाई हम गैर जाट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि हम जाटों को उतना प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया और भी कुछ बड़े पदों पे को खास जाट लोग उसमें देखने के लिए। तो जाट कम्युनिटी जो अभी कुछ महीने पहले लोकसभा में बीजेपी को खुल के वोट दे रही थी, कई सीटों पर जाटों के वोट बीजेपी को खूब मिले हैं, और वो विधानसभा में विमुख हो जाएगी, ऐसा क्यों हो जाता है, क्या है? देखिए हर्षी, अगर हम हरियाणा की राजनीति में जाटों की बात करें तो 2014 में खट्टर साहब के आने से पहले ये ठीक है आरोप लगते रहे कि चौटाला ने जाटों की भर्ती वहाँ की नौकरियों में की है। हमें बहुत सारी सामाजिक चीज़ों को भी हरियाणा की राजनीति में हर चीज़ समझना पड़ता है, लेकिन उस वक्त नौकरियों में करप्शन था और करप्शन मेयर आप नहीं कह रहे, करप्शन को वहाँ के न्यायालय ने कहा और उसमें इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जेल में भी गए, वो जेल भी गई, सजा भी हुई। लेकिन खट्टर के आने के बाद क्या हुआ कि नौकरियों में जो भ्रष्टाचार था वो हरियाणा में नहीं हुआ, तो जाटों में भी भर्ती में नौकरियों में बिल्कुल नौकरियों में भर्तियों में करप्शन नहीं हुआ। तो जाटों में भी एक वर्ग भले ही वो कम संख्या में हो, क्योंकि आंदोलन के समय क्या होता है कि आंदोलन के समय कम्युनिटी की भावनाएं जुड़ जाती हैं। हरियाणा में जो जाट लोग बीजेपी के साथ थे 2014 के चुनाव में थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, हालांकि इतना गिराफ नहीं गिरा था जितना 2024 में जाकर गिरा है परसेंटेज में जाटों का, लेकिन जाटों ने भी ये मानना था कि निश्चित तौर पे नौकरियों में जो है करप्शन नहीं हुआ है और ईमानदारी से हो रही है। बीजेपी ने, आप जो ये कह रहे थे कि नहीं बीजेपी ने नैरेटिव नहीं बनाया हरियाणा में जाटों के विरुद्ध, जाटों के आंदोलन को जो वित्त पोषित किया गया सामाजिक रूप से बना एक उनको एक नैरेटिव बनाया गया, और इसका हमारे समाज को हर्षी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी नुकसान हुआ है, हमने अपने जनपद में संजय बालियान जैसे केंद्रीय मंत्री को खोया है तो उसका नुकसान होता है हमेशा। हरियाणा में भी सबसे ज्यादा टिकट शुरू में हमें बीजेपी ने दिए लेकिन हमने उनको हरा दिया, फिर हम कहने लगे हमको चीफ मिनिस्टर बनाओ, तो कैसे चीफ मिनिस्टर बना देंगे हमको जब हम अपने उम्मीदवारों को नहीं जिताएंगे, और फिर पार्टी में तो दावेदारी कैसे करेंगे फिर हम, पार्टी के अंदर अपनी लीडरशिप को ही आप सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपनी लीडरशिप को हराओगे तो फिर आप दावेदारी कैसे करोगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो। तो जाटों को ने वहां हरियाणा में आज भी गलती कर रहा है ये समझने में कि तुम्हें ज्यादा हिस्सेदारी कहां मिली है, ज्यादा गवर्नर आपके कहां बने हैं, आपकी राजनीति में हिस्सेदारी कैबिनेट में लेके कहां बनी है। वो ठीक बात है कि इस बार हरियाणा से कोई जाट केंद्रीय मंत्री नहीं बना है, लेकिन इन सवालों की, इन परिस्थितियों पर आखिर जाट गया क्यों? जब आप एंटी कंपेन चलाओगे, किसी पार्टी के खिलाफ चलाओगे और उसका कोई आपके पास एक कोई आधार नहीं होगा, आप किसी दूसरे के आधार में के मिलकर चलाओगे, तो वो बिल्कुल, चाहे संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन हो हर्ष जी, और चाहे ये महिलाओं का भी आंदोलन हो जो पहलवानों का चला था, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप देख भी रहे होंगे कि पहलवानों ने तो अभी कांग्रेस को ज्वाइन भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस नैरेटिव को बीजेपी ने नहीं बनाया, इस नैरेटिव को बनाने में दूसरी ताकतें और कांग्रेस लगी हुई थी, और उन्होंने किसान आंदोलन के रूप में और उन्होंने महिला पहलवानों के रूप में जो मूवमेंट चला था उससे बीजेपी को मैं ये मानता हूँ कि नुकसान हुआ है, और आगे मैं ये नहीं कह सकता कि इसका कितना नुकसान होगा, लेकिन ये जाटों में इस बात को नुकसान जरूर हुआ है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं चाहा कि जाट हमारे से दूर चला जाए हरियाणा में। आज भी उसने विधानसभा में हम देखें तो काफ़ी टिकट दिए हैं, आबादी के हिसाब से उनके ठीक ठाक टिकट की टिकट दिए हैं। आपने अच्छा हुआ पहलवानों का जिक्र कर दिया, क्योंकि अगला सवाल मेरा पहलवानों को लेकर ही था कि महिला पहलवानों का आपने कहा कि आंदोलन हुआ, और कहले कायदे से ये पूरे देश का रिप्रेजेंटेटिव आंदोलन था भी नहीं, क्योंकि इसमें हरियाणा के ही एक परिवार के ही हैं सब ये सब लोग जो इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और बाद में तो ये चीज़ें स्पष्ट भी हो गई कि एक तरह से जो वहाँ की कुश्ती संघ की राजनीति थी वो हुड्डा वर्सेस ब्रजभूषण शरण, वो सब चीज़ें सामने भी आए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो ये भी कहा है कि बीजेपी अगर मुझे इजाजत दे तो मैं विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करने के लिए भी तैयार हूँ।
तो विनेश फोगाट पे आते हैं। विनेश फोगाट को लेकर बड़ी चर्चाएं रही और इसमें देखिए कोई शक की बात नहीं है कि जो सेंटिमेंट्स थे सब लोगों के विनेश फोगाट के साथ थे जब उनको पदक से वंचित रहना पड़ा। इसमें भी लोगों ने कुछ राजनीति करने की कोशिश की कि साहब सरकार चाहती नहीं थी कि वो जीत जाए, हालांकि ओलंपिक में किसी की चलती नहीं है, किसी भी सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। खैर अब वो राजनीति में आ गई हैं तो उन्होंने इन सभी अटकलों को खुद ही मोहर लगा दी है कि वो राजनीति से प्रेरित था। विनेश फोगाट और बबीता फोगाट, आपको याद होगा कि आपके घर पे 2 साल पहले बबीता फोगाट का हमने इंटरव्यू किया था। बबीता फोगाट बीजेपी में सक्रिय हैं, बहनें हैं, चचेरी बहनें हैं दोनों। बीजेपी ने बबीता फोगाट का टिकट काट दिया और ये लिया है विनेश फोगाट को, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए क्या है कि ये दोनों चचेरी बहनें हैं, वो बीजेपी में सक्रिय है, लेकिन उनका क्योंकि फैमिली का ये एक आंदोलन चला है तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने ये समझा होगा कि अभी बबीता फोगाट को लेकर कोई बहुत ज़्यादा आगे चीज़ों को नहीं किया जाए, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि एक फैमिली बबीता फोगाट को टिकट देने से क्या बीजेपी का नुकसान होता है? बस बीजेपी ने जहाँ तक मैं समझता हूँ ये समझा कि क्योंकि इनकी बहनों ने एक मूवमेंट चला है और उस चीज़ों को लेकर, हालांकि उस वक्त बबीता फोगाट के बयान भी आए थे कि भाई आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, लेकिन मैं समझता हूँ तो पार्टी के स्टैंड के साथ खड़ी रही थी बबीता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ खड़ी रही, लेकिन बीजेपी मौजूदा परिस्थिति में हो सकता है बीजेपी ने समझा कि इस चुनाव में उसको अभी आगे ना बढ़ा जाए, जो मैं समझता हूँ। मुझे लगा कि शायद बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कुछ रिस्क है कि अगर बबीता फोगाट को लड़ाया जाए, एक चुनाव हार भी चुकी है, पिछला चुनाव हारी थी बबीता फोगाट, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को ऐसा लगा होगा कि ये रिस्क है और इसका कहीं मैसेज गलत ना चला जाए। बिल्कुल ये भी हो सकता है। और दूसरा जो आपने अभी हर्ष जी कहा कि भाई ओलंपिक में, मैं अभी बजरंग पूनिया जो अंतर्राष्ट्रीय रेसलर हैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि भारत में कुछ लोग बबीता इसको विनेश फोगाट को मेडल से वंचित होने पर खुश होंगे। मैं उसकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो नाम बताए कौन खुश हुए? कोई भी खुश नहीं हुआ, न भारत सरकार दुखी थे, न भारत सरकार खुश हुई, न प्रधानमंत्री तक ने ट्वीट किया है, एक भी व्यक्ति खुश नहीं हुआ। हर व्यक्ति चाहता था कि विनेश फोगाट को जो है विनर बने और मेडल लेकर आए देश के लिए। तो इसका मतलब ये है कि उनके जो आंदोलन थे, क्रिमिनल घटना होना एक अलग बात है, लेकिन उस घटना के लिए न्याय मांगने में आप राजनीति से प्रेरित आंदोलन करोगे तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात हो जाएगी। ओलंपिक में डिस्ट्रिक्ट से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर खेल के नियम हैं, वो नियम के आधार पर ही ट्रायल है, वो सब चीजें बिल्कुल होती है, नियम के आधार पर ही उसको मेडल से वंचित किया गया था। हम सबको दुख हुआ, देश में कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है सिंगल व्यक्ति को जिसको खुश हुआ, क्योंकि हमें विनेश फोगाट पे या बजरंग पूनिया पे गौरव है कि वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि वो राजनीति के शिकार हुए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको इन सबको करने के लिए, क्योंकि आपने हर चीज देखा होगा कि पहले आंदोलन में तो उन्होंने कोई नहीं, इसमें एक आपको एफआईआर भी नहीं ली थी। एक बात मैं आपको भी रोकता हूं, देखिए इसमें राजनीति का कितना बड़ा वो है। विनेश फोगाट को कोई पदक नहीं मिला, वो आती हैं, दीपेंद्र हुड्डा उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए जाते हैं, गाड़ियों का काफिला 30-40 का, हरियाणा के कई लोगों ने जीते हैं, मनु भाकर जीती है, मनु भाकर ने तो 2-2 पदक जीते हैं, कहां से पदक हरियाणा की है बच्ची, उसको उस रिसीव करने के लिए कोई नहीं गया दीपेंद्र हुड्डा। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मनु भाकर ने तो इससे पहले भी एशियाड में भी जीते थे। हाँ। वो हमारे देश के लिए, हमारे सबके लिए गर्व है। हाँ। लेकिन उसके लिए तो न कांग्रेस ने एक शब्द कहा। हाँ। और न दीपेंद्र हुड्डा उसके स्वागत के लिए कही गई, न हरियाणा में उसके लिए कोई स्वागत की बात की। लेकिन मैं जो आपसे कह रहा था कि जब ये विनेश फोगाट का दिल्ली का आंदोलन चला, आपके ध्यान होगा पहले आंदोलन में तो इन्होंने पुलिस में कोई एफआईआर के लिए एप्लीकेशन भी नहीं दी थी कि भाई हमारे साथ कोई क्रिमिनल घटना हुई है, तो क्यों नहीं दी थी? जब कोई क्रिमिनल घटना किसी व्यक्ति के साथ होगी तो सबसे पहले तो वो पुलिस में एफआईआर देगा, अगर पुलिस उसको दर्ज नहीं करेगा तभी तो वो फिर आंदोलन की राह पकड़ेगा चीजों के लिए, या कोर्ट जाएगा या आंदोलन की राह पकड़ेगा। और सेकंड आंदोलन के समय फिर इन्होंने बताया कि हमारे साथ ये घटना हुई है, हम इसकी एफआईआर जो है हम इसकी देना चाहते हैं चीजों के लिए। तो ये इससे हमारे समाज को, फिर जाट समाज की अगर हम बात करें कि इससे हमारे जाट समाज को
भले ही हो सकता है कि कांग्रेस को एक दो चार सीटों पर फायदा हो जाए, लेकिन जाट्स कम्युनिटी को इसका नुकसान देश भर में हुआ है। हम इस तरह की राजनीति को नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी, लेकिन हमें जो है और हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए था। हमारे समाज को 2016 में जाट आरक्षण से हरियाणा में नुकसान हुआ था, क्योंकि आपने मुझे अभी 35-1 की जो बात कही है अर्ष जी, मैं आखिर में उसी बात को ये कहता हूँ कि उसके बाद बाकी सारी बिरादरियां जाटों के खिलाफ कंसोलिडेट हो गई वहाँ, क्योंकि वो इसलिए हो गई कि वो कम्युनिटी ये चाहती हैं, वो मानती हैं कि या तो जाट को मुख्यमंत्री बनाओ या फिर वो एक असत्य आरोपों के साथ एक नैरेटिव चलाएंगे और सरकार को काम नहीं करने देंगे। अगर हम हरियाणा में बात करें तो किसानों के हित में बहुत सारे काम किए हैं। अभी भी जो 23 फसलों के MSP की सरकार तय करती है, हरियाणा सरकार ने कहा कि हम सारी फसलों को अगर किसान बेचना चाहेंगे और MSP से कोई भी नीचे बिकेगी तो हरियाणा सरकार उनको खरीदेगी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ जाट जो किसान हैं वो उस नैरेटिव के से प्रभावित हो गए हैं, और वो प्रभावित होने के बाद में जो है BJP को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो पहले वोट मिल चुके उनको 14 के चुनाव में और 19 के चुनाव में विधानसभा के, अब 24 के चुनाव में शायद उतनी वोट नहीं मिलेगी, और ये लेकिन उससे हमारे समाज को नुकसान जरूर होगा। अशोक जी खुल के नहीं कह रहे, लेकिन मैं बताऊँ कि अशोक जी के कहने का मतलब ये है कि जाट जो है इस बार BJP के खिलाफ वोट मैक्सिमम करने वाले हैं, वो बट सकते हैं, कांग्रेस में चले जाएं चाहे वो JJP में चले जाएं, इंडियन नेशनल लोकदल में चले जाएं, तो वो बटेंगे और BJP के पास उसका एक छोटा हिस्सा आएगा, ये अशोक जी के कहने का लब्बोलुभाव है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अब कांग्रेस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा मैं। कांग्रेस में तो आपको पता ही है कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है भूपेन्द्र सिंह हुड्डा। हाँ जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के पास ऐसी कौन सी नब्ज है राहुल गांधी या सोनिया गांधी की कि उनका कोई वहां विरोध कर ही नहीं पाता। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे पिछले चुनाव में, आपको ध्यान होगा, दलित समाज से आते थे वो, राहुल गांधी के बड़े करीबी थे, फेवरेट थे उनके, उनकी नहीं चलने दी हुड्डा साहब ने। उसके बाद शैलजा, उनसे लगातार उनकी प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। शैलजा को उन्होंने जबरदस्ती जो है अंबाला से सिरसा से लड़वाया भेज के हुड्डा ने, वो खैर जीत गई। फिर उसके बाद किरण चौधरी की बेटी का टिकट भिवानी से नहीं होने दिया, किरण चौधरी BJP में चली गई, BJP में चली गई, राज्यसभा सांसद बन गई, अपनी बेटी को टिकट भी दिलवा लिया, लेकिन कांग्रेस के माथे पे शिकन नहीं आई। कांग्रेस अपनी लीडरशिप को, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किरण चौधरी तो जाट समुदाय से आती थी, कि मैं यही मान लूं कि और लोगों से वो था, कि आप अपनी लीडरशिप को खो रहे हैं। हुड्डा के पास ऐसी कौन सी चाबी है, कोई सोनिया गांधी का खजाना है उनके पास, के उनका कोई विरोध पार्टी में ऊपर हाई लेवल पे कोई कर ही नहीं पाता, ऐसा क्या है? देखो अर्ष जी, जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा जी, आपके भी ध्यान होगा उस वक्त में प्रियंका बढ़ेरा गांधी और उनके पति का हरियाणा में काफी लैंड को लेकर काफी निकल, मतलब केस दर्ज हुए, उसमें केस भी जांच हुई, ये केस दर्ज हुए हैं, ये भारत की जो एजेंसी जांच करती है उन्होंने जांच की थी। तो यानी कि इससे क्या साबित होता है कि परिवार की निकटता है, और उसमें परिवार की निकटता में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने उसका लाभ भी उठाया निश्चित तौर पर, ये तो सबको पता है कि बहुत सस्ते में जमीन खरीद के और वो हाथ क्या आती उसको लैंड यूज तक चेंज कर, लैंड यूज चेंज करने के बाद में, तो जब एक रिश्ते कायम हो जाते हैं तो तब वहाँ फिर चाहे वो अशोक हो चाहे फिर किरण चौधरी हो या अभी जो शैलजा है वो भी अभी दो दिन पहले बहुत नाराज थी उन चीजों को, शैलजा तो मुख्यमंत्री बनना चाहती है, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है, या सुरजेवाला हो तो ये सुरजेवाला भूल गया था मैं, बिल्कुल बिल्कुल जो है तो इन सब की नहीं चल रही, और उसी रिश्ते को लेके जो चीफ मिनिस्टर के टाइम पे प्रियंका और उसके पति के साथ में जो बड़े रखे हुए थे तो उसी को लेके ये निकटता आज भी बनी हुई है हर्ष जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा जाट राजनीति के बारे में और आपसे थोड़ा सा डेप्थ बात करना चाहूँगा। वेस्ट UP से आप आते हैं, मुजफ्फरनगर जैसे जिले से बिलोंग करते हैं, टिकैत फैमिली के आप बहुत करीबी रहे हैं, बालियान खाप से आते हैं। दरअसल BJP को लेकर बात हरियाणा से थोड़ा सा अलग हटके कर रहा हूँ, BJP को लेकर जाटों के मन में क्या है, क्या चलता रहता है, क्यों इतना फ्रक्चुएशन है कि जरा सा भी हो गया तो वो नीचे, जरा सा हो गया तो पीछे, क्या है इसका? देखिए क्या है कि जब भी
कोई देश में किसी जाति समुदाय को लेकर कोई बात रखी जाती है तो उसमें फैक्ट नहीं देखा जाता, हर चीज फिर भावनाएं देखी जाती, इमोशंस हावी हो जाते हैं, इमोशंस हावी हो जाते हैं। जाटों को मैं सबसे ज्यादा गवर्नर बीजेपी ने बनाए, लेकिन सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहते हुए एक नैरेटिव चलाया, अग्निवीर को लेकर नैरेटिव चला उसने, किसान आंदोलन को लेकर नैरेटिव चला, जबकि वो सोचवी गवर्नर के पद पर थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मुश्किल बात है कि सारी कम्युनिटी भावनाओं से ऊपर हटकर फैक्ट को या सत्य को देख ले, वो अभी भारत में संभव नहीं है। और यही वजह है कि जाट को बीजेपी ने बहुत ज़्यादा दिया और उसके उसको राजनीतिक हिस्सेदारी दी, उसको विधानसभा लोकसभा में उसका जाति के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया। लेकिन निश्चित तौर पे, और सबसे ज़्यादा अगर जाट फार्मर्स हैं तो बीजेपी के अगर हम कार्यकाल को देखें, 10 साल के कार्यकाल को और 10 साल के कांग्रेस के मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखें, तो इनके टाइम में फसलों के दाम हर चीज ज्यादा बढ़े हैं बीजेपी के समय में जो है, और ज्यादा खरीद हुई है। लेकिन जाट फिर भी मैं मानता हूं कि वो भावनात्मक चीजों बीजेपी को अपनी पार्टी नहीं मानते, वो यस वो भावनात्मक रूप से जो है उस नैरेटिव का शिकार हो जाता है, जो नैरेटिव जो है कुछ जो चाहते हैं कि जाट राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर और बीजेपी में आगे न बढ़ जाए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और वो हमेशा बाधा खड़ी करते हैं। नहीं, इसकी एक वजह मुझे ये भी नज़र आती है, जो मेरा अपना आकलन है कि जो जाटों की पॉलिटिक्स है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे राजस्थान में है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, तो वो उस पार्टी को ही अपनी पार्टी मानते हैं जो किसी जाट नेता ने बनाई। चौधरी चरण सिंह ने बनाई लोकदल, तो वो हमारी पार्टी है। देवीलाल ने बनाई लोकदल, वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल, तो वो हमारी पार्टी है। या बंसीलाल ने बना ली थी अपनी पार्टी, या अब दुष्यंत ने मान ली, वो ये वो उनका जाटों में एक मुझे लगता है कि ये है कि हमारी अपनी पार्टी तो वही है जो हमारे जाट ने बनाई। लेकिन हरियाणा में ये बात नहीं चल पाती है। हरियाणा में पिछले 15 साल से कम मैं देख रहा हूँ, 10 साल हुड्डा साहब का कार्यकाल रहा और फिर उसके बाद खट्टर साहब का रहा, 20 साल लगभग बैठ गए, 18-19 साल बैठते हैं टोटल मिला के। तो उसमें मैं देख रहा हूं कि उसमें जाटों का एक बड़ा वर्ग लगातार हुड्डा के साथ ही खड़ा रहा। अब आप बताइए, अगर जाटों को बीजेपी से नाराजगी है तो उन्होंने अपनी पार्टी है उनकी इंडियन नेशनल लोकदल, उसे क्यों नहीं दिया? देखिए हर्षीश, में मेरा कहना है कि चौधरी चरण सिंह की डेथ के बाद आपने देखा होगा कि चौधरी अजीत सिंह को कई बार पार्टी के साथ अलायंस करना पड़ा और कांग्रेस में भी जाना पड़ा उनको, कभी एनडीए में कभी यूपीए में। तो धीरे धीरे जाटों का एक वर्ग ये मानने लगा था, जो पढ़ा लिखा था, कि अब अपनी कम्युनिटी की लीडरशिप में इस देश में राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं की जा सकती। और जो वर्ग ये नहीं मानता था, आज जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ अलायंस में क्यों आना पड़ा? उसने देखा कि सत्ता से बाहर रहकर लंबे समय तक आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी कम्युनिटी के भी वेलफेयर के लिए, उनके हितों के लिए कोई काम नहीं कर सकते। हरियाणा में, क्योंकि वहाँ एक तो आप देखते होंगे कि वहाँ धर्म के आधार पर कोई चीज़ें नहीं होती, वहाँ आंदोलन के आधार पर बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। मैंने वहाँ घासीराम नैन जो किसान नेता थे वहाँ के आंदोलन को उस वक्त देखा। हरियाणा में एक चीज़ और अजीब है हर्षी, वे आंदोलन से कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, आंदोलन से जिसके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। वो खट्टर से कोई ईगो की लड़ाई है, वो ईगो खट्टर से कुछ लेना नहीं चाहते। खट्टर ने किसानों को बहुत दिया हरियाणा में जो है, बीजेपी ने सरकार ने बहुत दिया, अब जो मुख्यमंत्री है उसने, सैनी साहब ने, नायब सैनी साहब ने बहुत दिया अपने छोटे से कार्यकाल में। लेकिन वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वो नीचा दिखाने के लिए करना चाहते हैं और इसीलिए मतलब वो डोमिनेंस चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं, और इसीलिए फिर 35 कौम वहां हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती है कि भाई जो भारी पड़ जाता है, या तो ये सरकार में इनको मुख्यमंत्री बनाओ या फिर ये आंदोलन करेंगे, भले इनको कुछ भी दे लो, इससे कम्युनिटी को नुकसान होता है। अब कम्युनिटी भारत में एक अपनी लीडरशिप में राजनीति में सफल नहीं हो सकती, ऐसा हमारा मानना है हर्ष जी। आपका मैं कहने का निष्कर्ष ये समझूं कि जाट अपना नुकसान कर रहे हैं इस तरह की राजनीति कर। बिल्कुल, देखिए मैंने इसका रिकॉर्ड भी देखा आपसे बात करने से पहले, 1966 में हरियाणा बना था पंजाब से अलग होकर, और तब से अब तक का मैंने रिकॉर्ड देखा केवल 3 ही जाट सीएम बने हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है कि
बिल्कुल वहां जाटों का डोमिनेंस ही लगातार रहा ना, है ना, देवीलाल और ये क्या नाम अपने बंसीलाल और ये तीसरे हुड्डा साहब, वरना बीच में भजन लाल आ गए और कई लोग आए हैं, गुप्ता जी बने, कई लोग बने हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई वहां बहुत ज्यादा चीजें रही हो, लेकिन जाटों का आंदोलन का हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि प्राप्त करना नहीं रहा है और वहां सरकारों को नीचा दिखाने का उद्देश्य रहा है, उससे किसी भी सरकार हमारी मुट्ठी में रहनी चाहिए, बस मुट्ठी में रहनी चाहिए और उससे मैं समझता हूँ कि किसी भी समुदाय को फायदा नहीं होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि जो जैसे हम बात कर रहे हैं कि बड़ा पार्ट इस बार कांग्रेस को मिलेगा जाटों का वोट का, जैसे कि आपने भी कहा, मुझे भी ऐसे ही एज्यूम मैं भी कर रहा हूं, इसकी मेन वजह यह भी है कि जो जाटों की अपनी पार्टी थी वहां पे इंडियन नेशनल लोकदल, उसका वीक हो जाना, चौटाला साहब, देवीलाल जी का निधन, फिर उसके बाद चौटाला साहब की जो सरकारें आई उन पर भ्रष्टाचार के आरोप, फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल चले जाना, फिर उनके बेटों में बिखराव हो जाना, मुझे लगता है कि जाटों को यह लगा कि भाई अब हम इनके साथ रह के जो है वो सत्ता हासिल नहीं कर सकते, इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो इतनी बड़ी पार्टी अब नहीं रही कि अपने दम पर सरकार बना सके, उसे अल्टीमेटली कांग्रेस बीजेपी या किसी के साथ मिलना होगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि जाटों ने जो है वो हुड्डा, चूंकि जाट हैं, हालांकि हुड्डा के बारे में तो मेरे वहां अंकल रहते हैं भिवानी में, उनका यह कहना है कि जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा टाइप का जो जाट है, सोफेस्टिकेटेड टाइप का, वो जाट तो हुड्डा को पसंद करता है और जो देहाती टाइप है वो इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहता है, तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी कि INLD इतनी कमजोर हुई, इसकी वजह से भी जो है हुड्डा की तरफ जाट ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हाँ, देखिए जब जाट बीजेपी के विरुद्ध आंदोलन करेगा तो फिर उसको दूसरी पार्टी चॉइस करनी पड़ेगी। हाँ, तो चॉइस करने में क्या हुआ कि जो उनकी लीडरशिप की पार्टी थी वो तो बेहद कमजोर होगी, और आज आप देखते होंगे आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर तो खुद इनके चौटाला का परिवार ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। हाँ, आपस में लड़ गए, आपस में लड़ रहे हैं, तो जब वो एक दूसरे के खिलाफ खुद ही लड़ रहे हैं तो उनकी पार्टी को फिर इतना ज्यादा जाट में समझता हूँ कि नहीं जाएगा जितना जाट जो है दूसरी जगह जाएगा, लेकिन ये भी है कि बीजेपी को भी जाट ऐसा नहीं है मिलेगा, लेकिन साइलेंट मिलेगा क्योंकि कोई भी आदमी आंदोलन के विरुद्ध नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी ये है। अच्छा, हाँ। वैसे मैं थोड़ा सा एक सवाल और फिर पीछे चलते हैं थोड़ा सा, 2014 में जिस समय खट्टर साहब को जो है मुख्यमंत्री बनाया मोदी जी ने, सब लोग जानते हैं कि वो RSS की संघ की चॉइस थे, मोदी जी के करीबी थे, उस समय तो यही बात थी, फिर उनकी जो 5 साल की गवर्नेंस है उसके बाद जो है उनको उसका इनाम मिला कि आपने ठीक बढ़िया सरकार चलाई, कई मामले जैसे कि आप कह रहे थे कि वो रामपाल वाला मामला है, राम रहीम वाला, बड़े बड़े मामले हुए, उन सबको खट्टर साहब ने बढ़िया तरीके से हैंडल किया, कोई अशांति नहीं हुई, कोई इस तरह की अव्यवस्था नहीं हुई। तो क्या मतलब इसका मतलब ये भी माना जाए कि बीजेपी ने भी अपने जो जाट लीडर्स हैं, जैसे कि खट्टर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, कैप्टन अभिमन्यु का नाम बड़े जोर शोर से चला, जब बाद में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, चुनाव हार गए थे पिछली बार, उनका नाम चला था जोर शोर से, तो क्या बीजेपी ने भी वही काम किया कि अपनी जाट लीडरशिप डेवलप करने की वहां कोशिश भी नहीं की बीजेपी ने? देखिए, वहां बीजेपी ने शुरू में 2014 में तो डेवलप करने की कोशिश की थी, कैप्टन अभिमन्यु के पास 4-5 बहुत महत्वपूर्ण विभाग थे। हाँ, लेकिन वो एक तरह से डिप्टी सीएम थे। 2016 में जैसे ही वहां आरक्षण को लेकर एक मूवमेंट चला और उसमें हिंसा हुई, उसमें काफी लोग मरे, कैप्टन अभिमन्यु के घर में आग लगा दी गई, कैप्टन अभिमन्यु के घर में आग लगा दी गई थी, तो उसके बाद फिर बीजेपी को पीछे हटना पड़ा उन चीज़ों को लेकर जिन चीज़ों को लेकर वो जाटों को आगे बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ जब व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई तो दूसरी कम्युनिटी फिर अपने ढंग से सोचती है, तो देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी फिर वो उस कम्युनिटी को बहुत आगे नहीं बढ़ाएगी जो कम्युनिटी उसकी सरकार में व्यापक पैमाने में हिंसा करे और हिंसा करने उसके के विधायकों पर हमले करे और विधायकों पर हमले करे, तो वो ये एक मुख्य कारण रहा है, और फिर बीजेपी को ने देखा कि हमें फिर दूसरी कम्युनिटी को आगे लाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी को भी जाट को छोड़ना चाहती है, जाटों को भी नहीं छोड़ना चाहती हरियाणा में, वो ये भी सच बात है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे मुसलमानों वाली कहानी हो रही है, जाट पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा हम लंबी चर्चा कर रहे हैं काफ़ी, और ये इस समय बड़ी करने का इसका समय भी है उचित, जिससे लोग सुने, हमारे दर्शक देखें इस चीज़ को, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक समय के जैसे कि मुसलमानों के लिए बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि भाई हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, तमाम ये इसमें कोई शक नहीं है, बताने वाली बात नहीं है कि मुसलमानों के हित में सही मायनों में
निष्पक्ष रूप से जितने काम मोदी सरकार में हुए इतने शायद कभी नहीं हुए होंगे, लेकिन उसके बाद भी मुसलमान वोट नहीं देते। उसके बाद तो अब तो बीजेपी में स्थिति यह आ गई है कि इनके दो जो मुस्लिम लीडर हुआ करते थे मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज, उन दोनों को बीजेपी ने राज्यसभा में भी भेजना बंद कर दिया है। अब तो चुनाव तो टिकट देना तो छोड़ दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी कि साहब भाई जाट जब हमारे साथ आते ही नहीं है तो उनकी लीडरशिप को भी क्यों एंडोर्स किया जाए। नहीं ऐसा नहीं हर्ष जी, देखो आप 2020-21 के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में कि उसका कोई नुकसान हुआ। लेकिन उसमें अशोक जी लोगों का ये कहना था कि उसमें मेन जो जोरदार था वो था जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो काम किया है उसका ज्यादा वो पलड़ा भारी पड़ गया उस पर। हाँ ये इससे मैं सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश में वरना जाट बहुल इलाकों में बीजेपी बहुत विधानसभा सीटें हारी। हाँ ये बिल्कुल 9 सीटें जीत ली आरएलडी ने, वो ऐसे थोड़ी जीत ली, वो जाट अलग हुए तभी तो जाट लीडर हार गए। अभी संजीव बालियान हार गए, उससे पहले उमेश मलिक विधायक हार गए, वहां से बीजेपी के जाट थे वो भी, तो नुकसान तो हुआ है। अरे कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तो मथुरा पूरा जाट बहुल जिला है और हमसे ज्यादा जाट है वहां, लेकिन वहां एक भी सीट नहीं हारी बीजेपी। तो ये बिल्कुल सही है कि योगी आदित्यनाथ का जो उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का है उसका महिलाओं पर खासकर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन हरियाणा में ऐसे ही किसानों को खट्टर सरकार या वर्तमान सरकार जो बीजेपी के उसने बहुत कुछ दिया है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि वहाँ जाट जो है चर्चा कर लेते हैं। एक तो बबीता फोगाट वगैरह तो खैर हमने कर ही लिया डिस्कस, बीच में राम रहीम वाला मामला भी हमने डिस्कस किया, लेकिन राम रहीम को जो पेरोल बार बार मिल जाती है इन सब के लिए भी हरियाणा जो सरकार है उसको हमेशा से दायरे में रही है शक के। और फिर वहाँ से सुनील सांगवान को टिकट दे देना बबीता फोगाट की जगह जो वहाँ पे जेल अधिकारी रहे हैं, कुछ ना कुछ सवाल तो मुद्दे खड़े ही हुए हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बीजेपी जो है इस बार थोड़ा सा दूसरी तरीके से देख रही है, जैसे कहते हैं ना कि 10 साल की सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, तो मैंने देखा कि बड़ी संख्या में टिकट काट दिए हैं। हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका टिकट काट दिया, शिक्षा मंत्री हैं सीमा त्रिखा उनका काट दिया, बड़ोली वो जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे अभी सैनी साहब के बाद में कल लिस्ट आई है उसमें उनका टिकट काट दिया गया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस बार वो जो कहते हैं ना कि भाई अपने अभी जैसे यूपी के चुनाव में भी कहा गया कि आपने बाहर से आए हुए लोगों को टिकट दे दिए, अपने लोगों को निग्लेक्ट किया, शायद बीजेपी उससे भी बच रही है। जैसे कि सावित्री जिंदल आई थी नवीन जिंदल की मदर, उनको टिकट नहीं दिया, कमल गुप्ता को दिया टिकट जो उनके महा मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर साहब। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसको लेकर अपनी स्ट्रेटजी बदली भी है कि जो अपना हमारा पुराना लीडर है या हमारी जो पार्टी का अपना कैडर है उसका मान सम्मान किया जाएगा तभी हमें वोट मिलेंगे। देखिए हर्ष जी, इन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने दो चीजों में बदलाव किया है। एक तो जिसका आपने जिक्र किया है कि टिकटों को लेकर सचेत हुई है, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भी बीजेपी ने अपनी स्टैंड को बदला है। हरियाणा के टिकट्स तो बताते हैं संघ की रिकमेंडेशन पे ज्यादातर हुए हैं। बिल्कुल, तो ये इन दोनों चीजों को इसलिए किया गया है कि लोकसभा चुनाव में इन दोनों चीजों का अभाव था और उस अभाव का मैं बीजेपी को नुकसान हुआ है अपनी सीटों को लेकर जाए। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा में निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हो कि भाई इन टिकटों में मतलब बीजेपी पुरानी लाइन पे लाइन पे आ रही है, ये बिल्कुल सच बात है। इसलिए टिकट इतने सारे बदले भी जा रहे हैं जी। और जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि खट्टर साहब भले केंद्र में चले गए लेकिन उनकी दखलंदाजी बनी हुई है इन टिकटों में, लेकिन दखलंदाजी उतनी नहीं नजर आई। जो ज्यादातर टिकट बताए जाते हैं कि संघ के उससे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो हिंदुत्व वाला मुद्दा है ये हरियाणा में कहीं दिखता है आपको? पिछले साल आप ध्यान कीजिए कि नूह में कितनी जबरदस्त हिंसा हुई थी, वो जो शोभा यात्रा निकल रही थी उस पर पहाड़ से पथराव किया गया था, मुस्लिम बहुल इलाका है, तो हिंदुत्व वाला मुद्दा कहीं मैटर करता है हरियाणा? हरियाणा में इसलिए मैटर नहीं करता कि ये उसी क्षेत्र का जिसका आपने जिक्र किया है वहीं तक सीमित है, बस वो वहीं तक ही सीमित है, क्योंकि बाकी में हरियाणा में कोई मुस्लिम जनसंख्या नहीं है। 3-4 विधानसभा होता कि उसी क्षेत्र तक ही वो सीमित है, मेवात के क्षेत्र तक ही है। तो हरियाणा में ये इतने ठीक है, पिछले बार वो वहां हिंसा हुई थी लेकिन वो क्योंकि सभी जगह नहीं है तो वहां बाकी जगह इसका असर देखने को नहीं मिलता बिल्कुल भी। जैसे उत्तर प्रदेश में तो क्योंकि डेमोग्राफी दूसरी है
यहाँ जनसंख्या के लेके मुस्लिम बहुलता को लेके जाए तो यहाँ घटनाएं होती रहती हैं चीजों को लेके, लेकिन हरियाणा में नहीं ऐसा कुछ देखा। अच्छा, ये जो छोटे छोटे कैंडिडेट हैं वहाँ पे, गोपाल कांडा और ये सब, बलराज कुंडू, कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई बताते हैं कि बीजेपी ने 2-3 टिकट एडजस्ट किए हैं इनके, शायद इनका बेटा है भव्य बिश्नोई, वो भी शायद 4-5 टिकट किए हैं, 4-5 टिकट इनके कहने से एडजस्ट किए हैं। इनकी कुछ भूमिका हरियाणा में, चूंकि छोटा सेगमेंट है 90 सीटों का, तो इसमें जो है 5-10 अगर निर्दलीय और ये छोटे दल हो जाते हैं तो ये काफी डिसाइडर होते हैं, जैसे पिछले चुनाव में हुआ था। देखो, एक वक्त था कि चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल या चौधरी भजनलाल हरियाणा में सभी जगह अपना असर रखते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक सीमित क्षेत्र तक आ गए हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया है कि भाई वो छोटे छोटे पॉकेट, तो लेकिन वो मिला के हरियाणा में वो 9-10 बैठ जाते हैं, 11-11 एक बार तो मैंने देखा कि 16 निर्दलीय भी जीते हुए हैं हरियाणा में, 16 निर्दलीय जीते हैं। पिछली बार आपने देखा होगा 2019 में के जेजेपी ने जब इसको समर्थन दिया बीजेपी को, 9-10 निर्दलीय भी समर्थन देने को तैयार बैठे हुए थे, तो ये बीजेपी ने सोचा कि ये 10 पार्टियों वाला तो हर चीज। ये हरियाणा में होता है कि जो छोटी छोटी पार्टियां जिनके पहले परिवार में मिनिस्टर रहे हो या चीफ मिनिस्टर रहे हो, वो अपने एक एक दो दो विधानसभाओं में असर डालते हैं और वो उसका लाभ फिर जो सत्ता में पार्टी आती है उसको मिलता है। अभी इस बार के नतीजों में कुछ देखते हैं कि जैसे तो जेजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, तो क्या वो बीजेपी को अगर कहीं कमी पड़ती है कि जेजेपी फिर आ सकती है या बिल्कुल दूरियां होगी इनमें, क्या लग रहा है आपको? इस बार बीजेपी, मैं समझता हूँ कि वो जब ये स्थिति आएगी तब विचार करेगी। ऐसा नहीं है कि पहले से विचार कर लिया हो कि भाई जेजेपी को ले लेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि जेजेपी को जिस उद्देश्य के लिए लिया गया था और जितना समर्थन उसको मिला था, 10 MLA उसके बने थे, तो वो उस लिहाज से लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि इस पर बीजेपी पुनः विचार करेगी। और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा, पिछली बार की तरह जेजेपी 10 सीट जीत भी पाएगी या नहीं, ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ये वो इसे रिपीट कर पाएंगे, वो नई नई पार्टी बनी थी, लोग बाग जोश में आए और उन्होंने, लेकिन वो सत्ता में रहकर उसने कितना ईमानदारी से काम किया है उस पर उनकी सीटों का निर्भरता का पता चलेगा। चलिए, एक दो छोटे छोटे सवाल हैं अंत में, बड़े लोगों पे खत्म करते हैं। तो एक तो ये बताइए, क्या आपको लगता है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आखिरी चुनाव है? हाँ, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, इसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर इस चुनाव में अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या वो दीपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, खुद बनेंगे? अपना पर्सनल आकलन आपका क्या कहता है? मैं समझता हूँ कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा तो चाहेंगे कि उनके बेटे को अब आगे बढ़ाया जाए, निश्चित तौर पर चाहेंगे, लेकिन वो उस वक्त ही पता चलेगा कि उनके कितने MLA बनते हैं, कौन उनको समर्थन करता है। अगर इसके इंडिपेंड सारे सभी MLA कांग्रेस के आ गए तो तब इसकी और ज़्यादा भूमिका हो जाएगी, भूपेंद्र हुड्डा की शक्तिशाली हो जाएंगे और ज़्यादा, तब फिर हाईकमान को भी जो ये राय रखेंगे उस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर उनको इतनी सफलता नहीं मिलती है तो फिर हाईकमान दूसरे ढंग से सोचता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर बीजेपी और जाट वाली पॉलिटिक्स पे आता हूँ मैं, कि अभी तक तो यही है कि नायब सिंह सैनी साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भी लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं बने। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी को इस बार मौका मिलता है, अपनी स्पष्ट मेजोरिटी की सरकार बीजेपी की भी अगर बनती है, 5-7 किसी बाहर का समर्थन लेना पड़े उसके बाद भी, तो क्या बीजेपी चीफ मिनिस्टर बदल सकती है? मुझे नहीं लगता ऐसा कि नायब सिंह सैनी का जितना भी एक छोटा कार्यकाल रहा है वो अच्छा रहा कार्यकाल उनका। उन्होंने किसानों के लिए जो MSP को लेकर ये बड़ी घोषणा, सज्जन आदमी है वो, हाँ नहीं, जो किसानों को लेकर जो MSP पे घोषणा किए कि अगर 23 फसलों में से कोई भी फसल नीचे जाती है तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी निश्चित तौर पर अगर सत्ता में आती है तो नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, देखते हैं क्या होता है और कोशिश ये करेंगे कि हरियाणा के जब चुनाव हो एक बार फिर एक पॉडकास्ट आपके साथ नतीजों के बाद भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी तो इस नोट पे आज के इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। अशोक जी, आपका समय देने के लिए धन्यवाद और आप हमारे स्टूडियो में आते रहिए। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हरियाणा के चुनाव के संबंध में बहुत सारी डिटेल्स में बात की। धन्यवाद, नमस्कार।